अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम ट्यूरर न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम ट्यूरर न्यूज़। नाजरीन, भोपाल इनकाउंटर ये हुकूमत हिंद का पहला फेक इनकाउंटर नहीं, इससे पहले भी कई इनकाउंटर्स कई रियासतों में हो चुके हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमारे तेलंगाना रियासत के आलेर इनकाउंटर ही ले लीजिए। हालांकि नाजरीन, भोपाल के 8 नौजवान पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ था, इन्हें दहशतगर्द करार देकर फेक इनकाउंटर कर दिया गया। उन लोगों के वकील के मुताबिक वह अनकरीब बरी होने के चांसेस थे। इस सिलसिले में नाजरीन, हम इलिया शमसी, सदर रिफॉर्मर्स फ्रंट ऑफ इंडिया से क्राइम टुडे न्यूज़ से बात की। मोहम्मद गौस और सैयद अरशद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। कल भोपाल में जो सिमी के अंडर ट्रायल्स थे, जिन्हें मीडिया ने अपने तौर पर खुद साख्ता तौर पर टेररिस्ट के तौर पर पेश किया, जिसमें 8 नौजवानों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया और ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये देखने में आ रहा है कि लोग इस सिलसिले में एहतजाज करने के बजाय, अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के बजाय ऐसी हरकतों में मुलव्विस हैं कि उन्हें मामला समझ में ही नहीं आ रहा है। दरहकीकत भोपाल का जो जेल से नौजवानों का फरार होना, अंडर ट्रायल्स का 8 घंटे का 10 किलोमीटर के इलाके में मौजूद रहना और उसके साथ साथ उनके यहाँ जीन्स शूज़ वगैरह आ जाना, ये तमाम तर चीज़ों के ज़रिए पुलिस और बिलखसूस शिवराज सिंह और मोदी की हिदायत पर ये एक खुला पैगाम दिया गया है कि पुलिस ने, हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने कोई गलती नहीं की है, ना तो इनकाउंटर के अंदर कोई गलती की गई है, बल्कि इनका साफ साफ ये पैगाम देना मकसद था कि मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता हो गया है और वो अलल एलान मुसलमानों को कहीं पर भी किधर भी मार सकते हैं, कहीं पर भी इनकाउंटर कर सकते हैं, जिसकी एक पहले भी मिसाल हमारी अपनी रियासत तेलंगाना के अंदर विकार के मामले में भी आई कि वो लोग भी रिहा होने के बिल्कुल करीब थे, उन्हें भी हथकड़ियों के अंदर रख के शहीद किया गया, उन्हें उनकी जाने ली गई। उसी तरह पर ये भोपाल के अंदर भी उसी तरह इनकी जाने ली गई। अब मेरी जो बात है वो ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुसलमान शरीयत की हिफाजत की बात कर रहे हैं, जो उलमा इकराम शरीयत के नाम पर बड़े बड़े जलसे मुनज़्ज़म कर रहे थे, दस्तखती मुहिम चलाई जा रही थी, दिल्ली में हिंदुस्तान भर के तमाम अकाबिर उलमा जमाते तंजीमों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसके जरिए ये बताया गया कि शरीयत खतरे में है। मेरा सवाल ये है कि जब शरीयत खतरे में है तो क्या शरीयत के मानने वाले खतरे में नहीं है? शरीयत के मानने वाले अगर जिंदा रहेंगे तो शरीयत पर अमल किया जाएगा। जब शरीयत के मानने वालों को चुन चुन कर मारा जाएगा, नौजवानों को हलाक किया जाएगा, तो इस कौम के अंदर कौन सी मर्दानगी बाकी रह जाएगी, ये कौम किस तरह से जिंदा रहेगी? साफ तौर पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा बहुत ही अच्छे पैमाने पर चल रहा था, ये भोपाल का वाकया करते हुए एक मैसेज दे दिया गया खुल्लम खुल्ला, जो अक्सर नौजवान वीडियो बार बार शेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो साहब, इसके जूते भी ऐसे ही है, जो लड़का शहीद हुआ इसके जूते भी ऐसे ही है, एक शूट करने का वाकया बताया जा रहा है कि देखो ये कैसे कह रहा है। मेरे भाइयों, ये बाज़ाब्ता इन्होंने मंसूबा बंद तरीके से इन्होंने प्लानिंग की, प्लानिंग करके अपनी गलतियों को बताने की कोशिश की है ताकि आपकी तवज्जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे से, नजीब जो 15 दिन से दिल्ली के अंदर जो नौजवान गायब है, जिसकी माँ तड़प रही है, उससे आपकी तवज्जो हटाने के लिए, मुसलमानों के जहन को बदलने के लिए ये वाकया किया गया है। इस सिलसिले में जो करने वाला काम है वो ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर अपने उलमा इकराम के साथ अपनी जमातों में एक आवाज होकर जो आवाज को बुलंद किया गया, उसी तरह इस मुद्दे पर भी अपनी आवाज को बुलंद करें और एहतजाज करें, सिग्नेचर कैंपेन चलाएं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खतूत लिखें और ये लिखें कि जब नौजवानों को ऐसे मारा जा रहा है तो हमारी अपनी जानों की भी हिफाजत की कौन सी जिम्मेदारी है। मुल्क के हालात इमरजेंसी से बदतर हो चुके हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर भी अपनी नुमाइंदगी करें, सिग्नेचर कैंपेन चलाएं और जलसे और जुलूस का एहतमाम करें। और सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है
कि अभी चंद दिन कबल नक्सलाइट्स के नाम पर चंद लोगों को, दलित समाज के और कबायली समाज के लोगों को भी मारा गया। लिहाजा बारहा ये बात कहते आ रहे हैं कि दलितों को, कबायलियों को, मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये जितने ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ये अपने स्कैम्स को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, इनकी तारीफ रही है कि ये दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं। और जुल्म का इनका तरीका ये रहा कि कभी दलितों को और कबाइलों को नक्सलाइट के नाम पे मार दिया जाता है और मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पे मारा जाता है। अगर मुसलमान, अभी भी वक्त है, अगर दलितों और कबाइलों के साथ अपना इतिहाद कायम करते हुए अगर नहीं लड़ेगा, तो मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिस तरह भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, उसी तरह ये कौमें भी टूट पड़ेंगी। और मुसलमान अपने जान बचाने के लिए, फिर शरीयत को बचाने के लिए कहां से आगे आएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। और आखिरी बात में ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई जिहाद के लिए अपनी ज़िंदगी लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियां करते हुए अजवाजादी ज़िंदगी कैसी होती वो बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इमामत करते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि कौम की इमामत कैसे की जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल मुसलमानों के लिए मशाल रहा है। तो ये कहना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मिल्ली काउंसिल हो या जमीयतुल उलमा हो या जमात इस्लामी हो, हर जमात का अपना अपना अलग मकसद है, हर आलिम का अपना अपना मकसद है, ये कहना बिल्कुल गलत और बचपने वाली बात होगी। जिस तरह उलमा इकराम ने शरीयत को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी, उसी तरह इन नौजवानों को बचाने के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं, मुझ जैसे नौजवान उलमा से बज़न हो जाएंगे और उलमा अपना वखार और अपनी साख बचाने की कोशिश में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। शुक्रिया। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।